बीती रात प्रयागराज एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियों के शोर से गूंज उठा, लेकिन इस बार गोलियों का निशाना बने दुर्दांत गैंगस्टर ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर उस वक्त गोलियां बरसाई गई जब दोनों को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए अचानक मीडिया कर्मियों के भेष में कुछ युवकों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून डाला, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं इस गोलीकांड के दौरान वहां कई मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। इस घटना के बाद आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ने पहले से ही सारी तैयारियां की हुई थी, अगल बगल से चारों तरफ से गोलियां चलाई गई। हम इस समय मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर पहले, लगभग आधे से पौन घंटे पहले, अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले आया गया था। और ठीक यही वो जगह है, ये सामने ये गेट है, इसी गेट से उन दोनों को ही लाया गया था। और ये वो जगह है जहाँ पर शूटरों ने धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। शूटर बताया जा रहा है कि वो पत्रकार बन के आए थे और यही वो जगह थी, इसी जगह पर उन्होंने अपनी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ये एक रूटीन प्रोसेस थी, इसी प्रोसेस के तहत कल भी अतीक और अशरफ को जब निकाला गया था तो लगभग रात का 8:15-8:30 का वक्त था जब उन लोगों को मेडिकल जांच कराने के लिए निकाला गया था, और आज भी उसी रूटीन के तहत इन लोगों को बाहर निकाला गया था। जिसको देखते हुए शूटर्स ने पहले से ही सारी तैयारियाँ की हुई थी, और जैसे ही वो आए इसी गेट से अंदर हुए, जैसे ही वो एंट्री लिए, उसके बाद जब मीडिया ने सवाल करना शुरू किया आज उसके उनके लड़के के जनाजे को लेकर, और उसके बाद से ही धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी, अगल बगल से चारों तरफ से गोलियां चलाई गई। उसके बाद पता चला कि जो शूटर थे, जो तीन शूटर यहां पर थे, उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन वो शूटर पत्रकार के रूप में आए थे। और आप देखिए, तीन पिस्टल आपको यहां पर देखेंगे, यहां पर फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, उसने हर एक स्पॉट बना के रखा है। आप देखिए यहां पर ये कैमरा और ये बाइक आईडी है, इन्हीं कैमरे और बाइक आईडी की आड़ में अपनी इस वारदात को इन शूटरों ने अंजाम दिया। बताते चले कि घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन के निर्देश दिए। वहीं इस घटना ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में यूपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मीटिंग के बाद ये रिपोर्ट भेजी गई है। बहरहाल गैंगस्टर ब्रदर्स के अंत के साथ जहां एक तरफ सीएम योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिला देने वाली बात चरितार्थ होती नजर आ रही है, तो वहीं इस पर राजनीति की गर्माहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।